सवाल इसलिए छोड़ना चाहता हूँ किस पर आप विचार करें मंथन करें। मैं आजकल काफी दिनों से महसूस कर रहा हूँ आरएसएस और बीजेपी के गठजोड़ से नए नए एजेंडे नई नए समस्याएं हमारे समाज के सामने पैदा की जा रही। इधर हाल के दिनों में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने की घटना तेजी के साथ बढ़ी है। साथियों हमको इस तरह से चक्रव्यूह में उलझाया जा रहा है कि हम असली मुद्दे से भटक जा रहे हैं। आपको याद होगा कि प्रमोशन में आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। इंदिरा साहनी के केस और सभरवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सरकार को इनकी सही सही जनगणना करके सही सही स्थिति को हमको बताना पड़ेगा। आज तक सरकार ने नहीं बताया, प्रमोशन में आरक्षण हमारा खत्म हो गया है। अभी आपने देखा SC ST Act को सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के खत्म कर दिया कि इसका मिसयूज हो सकता है। प्रिजम्पशन के आधार पर, अवधारणा और अनुमान के आधार पर कोई एक्ट नहीं खत्म किया जाना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी इसलिए गवर्नमेंट ने सही तरीके से पैरवी नहीं की और राष्ट्रपति जी ने ये बात अपने अभिभाषण में कही थी कि एक चिंता का विषय है कि हायर जुडिशियरी में बहुत लोगों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। इस बात को आरएसएस और बीजेपी के लोग बुरा माने थे। तो आज एक एक करके हमारे सारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इसका मिसयूज हो सकता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डाउरी के केस का क्या मिसयूज नहीं होता? क्या और एक्ट है और धाराएं हैं, क्या उसका मिसयूज नहीं होता? इस आधार पर SC ST Act को खत्म करना हमारे समाज के साथ नाइंसाफी है। इसके लिए हमको आगे बढ़ करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। साथियों मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। मैं जान रहा हूं आपने देखा हमको किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। शिक्षा माफिया तैयार किए जा रहे हैं, पब्लिक स्कूल खोले जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों की शिक्षा चौपट की जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में 5-star हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, सरकारी अस्पतालों की हालत दयनीय होती जा रही है। हम मजबूर हो रहे हैं कि पब्लिक स्कूलों में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजें, 5-star होटलों में मजबूरी बस हम दवा कराने जा रहे हैं, चिकित्सा करवाने जा रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है और सरकार जानबूझ करके शिक्षा माफिया चिकित्सा माफिया इस देश में पैदा कर रही है। मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि SC ST Act के खिलाफ हमको लामबंद होना पड़ेगा और सरकार को यह एहसास कराना पड़ेगा कि हम पहले वाले अब दलित नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम।